हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बच्चों ये बात आप समझें कि अगर मैं कोई चीज़ आपको केवल बोल के समझा रहा हूँ, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगी, या मैं आपको उसको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ और पिक्चर के अंदर मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ साथ में पिक्चर की हेल्प से। तो ऑब्वियस है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ पिक्चर है और उस पिक्चर से मैं आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब बात आती है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को जानना है, तो हमारे पास में उसके लिए एक ऐसा तरीका होना चाहिए, यानी कि ऐसा ग्राफिकल मेथड, या हम उसे पिक्चर में इस तरीके से ड्रॉ कर पाएँ कि जिससे हमें ये पता लगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके का नेचर रखता है, कहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, कहाँ पे फोर्स कम है। ये हम केवल एक पिक्चर या एक डायग्राम से देख पाएँ कि किसी भी चार्ज का फील्ड वो क्या नेचर रखता है। अब जैसे कि बच्चे यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो कैसे क्या हैं, दीज आर बेसिकली इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी लाइन्स यानी कि ये एक्चुअल में होती नहीं है, हम इनको अपने स्टडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझने के लिए हम इनको इमेजिन कर लेते हैं। और जब हम इन्हें इमेजिन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो दीज आर इमेजिनरी लाइन्स एंड दिस इज़ द वॉट पाथ ऑफ अ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हमने एक फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से वो चलने लग गया क्योंकि वो फ्री है। जिस जिस रास्ते पर या जिस तरीके से वो मूव करेगा वो पाथ ही फील्ड लाइंस कहलाता है, यानी इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय अ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट। इसका काम क्या है, टू स्टडी द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब होता है यहाँ पर इन डायग्राम्स या पिक्चर्स। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक मेथड है जिसमें हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और ये बोर्ड में साथ के साथ में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में प्रॉपर्टीज के साथ में। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में और इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट होते हैं ये। तो नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज किसकी, फील्ड लाइंस की। सबसे पहली चीज़ नंबर वन, फील्ड लाइन जो होती है मैंने आपको बताया कि क्या है, ये पाथ है, पाथ किसका, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और ये कब तक लगेगा, जब तक कि ये इन्फिनिटी पॉइंट नहीं आ जाए। तो इस प्लस चार्ज ने इस प्लस क्यू नॉट को रिपेल किया और ये जो फील्ड लाइन है आगे जाके कहाँ ख़त्म हो गई, इन्फिनिटी पर, और जहाँ पे फील्ड काम करना बंद कर देगा और यहाँ पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में फील्ड लाइन की ये है कि कोई भी टेस्ट चार्ज जो होता है वो चार्ज से चलना शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, जहाँ तक उस पर फोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज जो है वो कैसा है,
आइसोलेटेड है, अकेला। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं। तो किसी भी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन चार्ज से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में ये माइनस चार्ज, ये क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो इस माइनस ने इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो नेगेटिव चार्ज के लिए, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए, इट स्टार्ट फ्रॉम द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से शुरू होकर चार्ज पे आके ख़त्म होती है। अब बात आती है कि तीसरी प्रॉपर्टी में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास में प्लस और ये माइनस। तो जब एक प्लस और माइनस चार्ज आपके पास में होगा तो टेस्ट चार्ज अगर हम बीच में रखेंगे तो ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से शुरू होकर कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी? माइनस पे। तो हमारे पास में कोई भी फील्ड लाइन अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज होता है तो चार्ज से शुरू होकर इन्फिनिटी पे ख़त्म होती है। अकेला नेगेटिव चार्ज होता है तो इन्फिनिटी से शुरू होकर कहाँ तक आती है? माइनस चार्ज तक, और प्लस से शुरू होकर माइनस पे जाके ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर जब हम यहाँ देखें तो हमारे पास में ये फोर्थ प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। अब ये दिस फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है मेरे भाई? फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास में ये कहती है कि अगर ये कोई फील्ड लाइन है और इस पर अगर मैं कोई टेंजेंट खींच दूँ, जैसे मैंने अलग अलग पॉइंट्स पर टेंजेंट खींची, तो टेंजेंट किसी भी कर्व को किसी एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है। तो जब हम यहाँ पर इसको टच करेंगे तो ये ए, ये बी, ये सी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई ए, यहाँ पर ई बी और यहाँ पर ई सी। तो जैसे जैसे कर्व घूम रहा है वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फोर्थ प्रॉपर्टी, द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। किसी भी फील्ड लाइन पर आप कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट होता है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो इम्पॉर्टेंट है, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे पूछी जाती है एग्ज़ाम में। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती। अब जैसे ये मैंने कट करके दिखाया है तो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि दो फील्ड लाइंस को कभी भी कट नहीं करना चाहिए। कट करेंगी तो प्रॉब्लम क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आता है, कैन टू फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर? तो आपका आंसर होगा नो, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। अब वो पूछेगा रीज़न, रीज़न मतलब बताइए ऐसा क्यों। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखें तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमने दो पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस ड्रॉ करी। इस पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि जो टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं वो टेस्ट चार्ज यहाँ पे दो डायरेक्शन रखता है, ठीक है। किसकी? फोर्स की। यानी टेस्ट चार्ज पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि वो एक साथ दो डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन एक ही होती है और यहाँ पर फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अभी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास में सिक्स प्रॉपर्टी पर हम आ रहे हैं। सिक्स प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्या होता है? सिक्स प्रॉपर्टी यहाँ पर ये कहती है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक्स नहीं होते। जैसे सपोज करिए कि ये फील्ड लाइन है और आपने इसमें बीच में ब्रेक कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि आपका टेस्ट चार्ज चलता हुआ आया और टेस्ट चार्ज यहाँ पर आकर
आगे। तो ये जो गैप है ये बता रहा है कि यहाँ पर फोर्स काम नहीं कर रहा। अब हमारा टेस्ट चार्ज कोई शाहरुख खान तो है जो अपने आप पूछ लेगा और आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये इस समय ये शो कर रहा है कि ये टेस्ट चार्ज ने जंप लिया और ये यहाँ आया और दोबारा से चलने लगा। तो क्या हमारा टेस्ट चार्ज ये जंप ले सकता है? नहीं ले सकता। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, कैन अ फील्ड लाइन हैव सडन ब्रेक? तो फील्ड लाइंस के अंदर सडन ब्रेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर सडन ब्रेक होंगे तो ये यहाँ पर इसको जंप करना पड़ेगा और फिर चलना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सेवेंथ और एट्थ प्रॉपर्टी एक साथ समझा रहा हूँ। ये दोनों प्रॉपर्टी जो हैं वो हमारे पास में मेटल्स के लिए हैं, ठीक है। अब मेटल्स को अगर हम चार्ज दे देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को आप कोई भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज जो है वो उसके सरफेस पर बिखर जाता है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस यूनिफॉर्मली। तो चार्ज जो है वो हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पर। अंदर जो चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। तो जिस जगह पर चार्ज नहीं होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा और अंदर यानी कि मेटल के अंदर, मेटल्स के अंदर हमारे पास में फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट। हमारी फील्ड लाइंस किसी भी मेटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये 90 डिग्री पर होती हैं। तो हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के सरफेस पर हमेशा कैसी होती है? यानी कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं मेटल सरफेस पर। कोई भी मेटल को अगर आप चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने आपको एक साथ दो प्रॉपर्टी के बारे में बताया। पहला मैंने आपको बताया कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास में सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि फील्ड लाइंस अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में हम यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाइन्थ पॉइंट, नाइन्थ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम जब इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप जैसे अपनी कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, नोटबुक पे ड्रॉ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो लाइनें होती हैं उनके बीच में स्पेसिंग इक्वल होती है। तो ये इस तरीके से जब हम यहाँ पर इनको दिखाते हैं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए होती हैं। अगर कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इनके बीच में यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितना होता है? डी। दे आर इक्वली स्पेस्ड, उनके बीच में स्पेस जो होता है वो इक्वल रहता है। अब यहाँ पे जब हम देखें तो इस तरीके से क्लियर, इन दोनों डायग्राम्स के अंदर आप जो डिफरेंस देख पा रहे हैं वो ये है कि यहाँ इक्वल स्पेसिंग है, यहाँ पे ये पास पास हैं, क्लोज हैं, और यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है। तो ये हमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बता रहा है। यानी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स होते हैं तो उसमें फील्ड लाइंस कर्व्ड होती हैं, कहीं पर स्पेसिंग ज़्यादा और कहीं पे कम।
स्पेसिंग ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर ये हमारे पास में वीक और यहाँ पे जो हमारे पास में है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। तो एक तरफ हमारे पास में वीक और एक तरफ हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये चीज़ क्लियर। तो हमारे पास में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स हो गए। इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास में कोई भी प्लस और माइनस चार्ज होता है तो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन का मतलब एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइंस का जो नेचर होता है दे कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अब ये पेन है तो ये पेन को हम इस तरीके से ये मोड़ेंगे तो ये लेंथ के साथ में ऐसे मुड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास में अट्रैक्शन यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब रिफ्लेक्ट होता है डायग्राम्स में, तो जैसे ये हमने इसको कॉन्ट्रैक्शन दिखाया, ये इस तरीके से मुड़ गई, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये जो शेप आप देख रहे हो ये शेप तभी आएगी जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास रिपल्शन है तो रिपल्शन कब होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर लेटरल एक्सपेंशन होगा। तो लेटरल एक्सपेंशन मतलब, लेटरल का मतलब होता है चौड़ाई में, बीच में से ये फैलती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं फील्ड लाइंस को देखने के लिए, और इन प्रॉपर्टीज को हम वहाँ पर ड्रॉ करते समय किस तरीके से देखते हैं वो हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ किस 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 तरीके से काम करती हैं। बोर्ड में आपके पास में ये क्वेश्चन आए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो किसी भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस आपको बनानी है। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो इसके अंदर जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगी। तो जब हम यहाँ पर ये फील्ड लाइंस देख रहे हैं तो इसमें दोनों एक जैसे ही मैंने अभी बनाई हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें मैंने यहाँ पर ये जो एरोज हैं ये मैंने आउटवर्ड बाहर की तरफ लगाए हैं, ठीक, और इसके अंदर ये जो एरोज हैं वो मैंने अंदर की तरफ लगाए हैं। यहाँ पर ये क्यू जो है, Q is greater than zero, Q is less than zero, जिसका मतलब यहाँ पे Q पॉजिटिव है और Q नेगेटिव है। तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी बताई थी, तो फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। अगर मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूँ इस चार्ज के पास में, वो उसको रिपेल करता हुआ जाएगा और वो सीधे सीधे चलता हुआ चला जाएगा, और जब वो सीधे सीधे चलता हुआ चला जाएगा तो कहाँ जाकर रुकेगा, इन्फिनिटी पे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ चलता हुआ आएगा अंदर की तरफ और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिपल्शन हो रहा है। दूसरी चीज़, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 1/4πε0 Q/r2, ये फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर फील्ड लाइन दूर दूर हैं, इनके बीच में स्पेसिंग बढ़ रही है, तो स्पेसिंग बढ़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि फील्ड वीक होता जा रहा है, जो ये रिलेशन हमें समझा रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से फील्ड की वैल्यू कम होगी
और पास में ये स्पेसिंग ऐसे है, ठीक है, यानी कि पास पास हैं ये, यानी कि चार्ज के नियर बाय द स्पेस बिटवीन द फील्ड लाइंस इज लेस, और दूर जाने पर इट इज़ इंक्रीजिंग, जिसका मतलब फील्ड आगे जाने पर क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। ये चीज़ क्लियर है बच्चे? अब हम आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए ना लेकर अब हम उसको देखना चाहते हैं दो चार्जेस के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक जैसे टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस। तो टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये प्लस हो गया, अब ये माइनस चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पर रखूँगा, तो ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर मैंने टेस्ट चार्ज रखा तो ये प्लस उसको रिपेल करेगा, और इसका रिपल्शन की वजह से ये दूर जाना था। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो सीधे कहाँ पहुँच जाता, ये इन्फिनिटी पे। लेकिन रास्ते में इसे कौन मिल गया, माइनस। माइनस है कहाँ जा रहा भाई, तो उसने उसको क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो जो फील्ड लाइन सीधे यहाँ से इन्फिनिटी पे जानी थी वो इस तरीके से घूम कर कहाँ आ जाएगी, माइनस चार्ज पे। और ये फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से बनेंगी अब, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब अट्रैक्शन होता है तो फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो ये एक साथ कई सारी चीज़ें बता रही हैं कि प्लस से शुरू होकर माइनस पे ख़त्म होंगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस तरीके से हमारे पास में ये फील्ड लाइन्स यहाँ पर होंगी। तो जब हम यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके से ये फील्ड लाइन्स हम दिखा रहे हैं। तो ये प्लस से चलकर कहाँ जा रही हैं, माइनस की तरफ, और ये भी आगे घूमकर मिल जाएंगी, ये प्लस से निकली और माइनस के अंदर चली गई। तो ये था हमारे पास टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस। अब अनलाइक पॉइंट चार्जेस की जगह पर अब हम लाइक पॉइंट चार्जेस के लिए बात करें तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो भैया प्लस की जगह पे यहाँ पे भी प्लस आ गया जैसे, तो भाई पहले चला तो माइनस से दोस्ती थी उसकी तरफ मुड़ गया, अब प्लस से उसकी दुश्मनी है, तो दुश्मनी है तो भैया ये प्लस उसको क्या करेगा कि दूर हटाएगा। तो जब ये दूर हटाएगा तो यहाँ पर फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी कि, तो जब हम यहाँ पर फील्ड लाइंस देखेंगे तो यहाँ पर अब जैसे ये एक चार्ज ये प्लस है, दूसरा ये चार्ज प्लस है, इस फील्ड लाइन को ऐसे सीधे इन्फिनिटी पे जाना था, लेकिन अब ये फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरीके से आएंगी, ठीक है। और ये फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरीके से, तो ये बीच में लेटरल एक्सपेंशन हो रहा है, ये बीच में से एक्सपेंड कर रही है, यानी बीच में से दूर होती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये रिपल्शन को शो कर रहा है प्लस प्लस के बीच में, और यहां पर ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगी। तो ये हमारे पास में ये फील्ड लाइंस हो गई। तो वैसे अगेन ये प्लस है तो ये प्लस से चलेंगी किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, और ये इस तरीके से पूरे में फैल जाएंगे। इनके बीच में ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये न्यूट्रल पॉइंट में यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। इस चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ई, इसने भी ई, तो ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर यहाँ पर रुक जाती हैं, ठीक है। ये एक यूनिक कंडीशन है और कहीं नहीं होती, ये केवल लाइक चार्जेस के बीच में किसी एक पॉइंट पर होती है। एक और ख़ास बात है,
कि अगर हमारे पास में ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2, तो ये दोनों डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगी। और अगर ये यहाँ पर Q1 इज़ लेस देन Q2, अगर ये Q1 यानी पहला चार्ज छोटा होगा तो ये न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसा क्यों? अगर हम ये मिड पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, तो अब हमें उसे इक्वल लाना है, तभी वो कैंसिल आउट होंगे। तो हम इसको छोटे वाले की तरफ शिफ्ट करेंगे। डिस्टेंस कम होने की वजह से छोटे का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा और बड़े का डिस्टेंस बढ़ने से कम होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फिर दोबारा ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कंडीशंस अगर हमको दी हुई हैं तो हमें न्यूट्रल पॉइंट जो ये वाला दिखाना है वो बीच में दिखाना है, और अगर एक चार्ज छोटा या बड़ा है तो उसको इधर छोटे वाले की तरफ दिखाना है, ठीक है, बड़े से दूर छोटे वाले की तरफ। तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ आज बताई थी, और साथ में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। बाकी और एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिलेंगे, तो आप उनको इन प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ नया जानने का मिलेगा। तब तक हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।